स्पेशल शो, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर गहलोत और पायलट की अंतर्कलह को खत्म करने के लिए पार्टी हर कामयाब कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी खातों में कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। अब देखा जाए यहाँ पर तो तीन लोग पहले प्रभारी रह चुके हैं राजस्थान में और तीनों ही नाकाम रहे। कोशिशें बहुत की लेकिन नाकाम रहे। अब यहाँ पर किसी तीन लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही पायलट और गहलोत से आमने सामने होकर एक बड़ी बैठक करते नजर आएंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से लगातार इनकी अंतर्कलह जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जो हमें समझ में आया और जो जनता को आप सबको भी मालूम है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब आप देखिए कि पायलट को सीएम बनना है, ये बात साफ है। जनता लगातार यही कहती है राजस्थान की कि पायलट ही सीएम होने चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि गहलोत अच्छे सीएम है, गहलोत को सीएम पद नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो जनता पूरी तरीके से पायलट के साथ है, लेकिन विधायकों का साथ गहलोत के साथ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माना ये जा रहा है कि जब तक पायलट के साथ विधायकों का समर्थन नहीं होता तब तक पायलट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बगावत करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि पायलट जल्द ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दे कि वो अपनी नई पार्टी बनाते नजर आएंगे, जिसका जो नाम होगा शुरुआत उसकी आर से होगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल तो ताल ठोक के ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर हमें पायलट चाहिए, हम पायलट के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, वो अपनी पार्टी बना ले, हम साथ देंगे और उसके बाद जीत जाते हैं तो पायलट को ही सीएम बना दिया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर कही जाती है। लेकिन अगर भाई देखा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर खुद से बातचीत करते गहलोत पायलट की शायद पॉसिबल ना हो पाए। अगर ऐसा पहले भी हो चुका है, कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद देखा जाए कि यहाँ पर जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान पहुंचे तो आखिरी दिन पे उन्होंने एक जगह पे उन्होंने गहलोत और पायलट से बातचीत भी की थी। एक घंटे तक लगभग वो बातचीत बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया। और अभी एक महीने के अंदर अंदर आप देख लीजिए कि पायलट ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जब गहलोत पे निशाना ना साधा हो। तो यहाँ पर गहलोत और पायलट के मामले को लेकर खड़गे या राहुल अलग अलग मुलाकात करे तो मतलब नहीं बनता नजर आया। तो साथ मुलाकात करना जरूरी है और इसी को लेकर यहाँ पर कयास लगातार अब जोरों से लगाया जा रहा है कि जल्द ये मुलाकात होगी। तो क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अंतर्कलह चल रही है वो रुकती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पर जब तक कोई नेता बगावत नहीं कर देता तब तक पार्टी यहाँ पर कुछ ना कुछ हार नहीं मानेगी, यानी कि पार्टी यहाँ पर फिर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। इस पर राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।